नींबू कटिया तो रासी कोई नहीं, बाबे को छाती कोई नहीं। नींबू कटिया तो रासी कोई नहीं, बाबे तो गल वासी कोई नहीं। नींबू कटिया तो रासी कोई नहीं, बाबा जोगी को गया उत्थे सापी कोई नहीं। वाह 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 वाह। नींबू कटिया तो रासी कोई नहीं, बाबा लारी अड्डे गया उत्थे बासी कोई नहीं। कैलीफ्लावर कैलीफ्लावर एंड कैरट एंड पीस एंड पटाटो एंड कॉर्न चेंजर गार्लिक कैरट स्पाइन राइट डिश ट्रिम कैप्सियम कम लेडी फिंगर क्राउट वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेरी ऑल वेजिटेबल वेरी ब्यूटीफुल वेरी फ्रेश। गोभी मुँह बोल दी, गोभी कहती रिक्वेस्ट मी मुझे गोशों में डालो प्लीज, मैंने इंजॉय करनी आज संडे है प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम साहब, डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ुबैर अवान। आलू 20 रुपये, टमाटर 40 रुपये, ये दौर अब चला गया क्योंकि अब 2020 है, यानी कि 2020 है। अब सब्जियाँ भी अंग्रेज़ी में फरोख्त की जाने लगी हैं। आज एक ऐसे ही बाबा जी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि गलियों में सब्जियों को अंग्रेज़ी में फरोख्त करते हैं। इनकी इंग्लिश की आवाज़ सुनकर जो मोहल्ले की बाजियाँ हैं वो इनके पास आ जाती हैं और अपनी पसंद की सब्ज़ी इनसे ख़रीदते हैं। ये बाबा जी कौन है, आप ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद आपको बाबा जी से मिलवाते हैं। कैलीफ्लावर कैलीफ्लावर एंड कैरट एंड पीस एंड पटाटो एंड कॉर्न चेंजर गार्लिक कैरट स्पाइन राइट डिश ट्रिम कैप्सियम कम लेडी फिंगर क्राउट वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल वेजिटेबल वेरी ब्यूटीफुल वेरी फ्रेश। बाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं, मोहल्ले वाले वैसे इन्हें बाबा अंग्रेजी के नाम से जानते हैं, इनका असल नाम क्या है ये तो हम बाबा जी से जानते हैं। बाबा जी की नाम है? माई नेम इज मोहम्मद अरशद। सब्जी फरोख्त करते हैं? जी हम सब्जी फरोश करता हूँ। अच्छा, तो आप मैंने सुना है कि इंग्लिश में सब्जियाँ फरोख्त करते हैं, सारी सब्जियों के नाम आते हैं? जी जी। कैसे फरोख्त करते हैं? कैलीफ्लावर कैलीफ्लावर एंड कैरट एंड पीस एंड पटाटो एंड कॉर्न चेंजर गार्लिक कैरट स्पाइन राइट डिश ट्रिम कैप्सियम कम लेडी फिंगर क्राउट वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेरी ऑल वेजिटेबल वेरी ब्यूटीफुल वेरी फ्रेश। ऑल वेजिटेबल वेरी ब्यूटीफुल वेरी फ्रेश। आपको ये नाम याद करने में कितना टाइम लगा? नहीं, मैं खुद कुछ पढ़ा लिखा हूँ और अल्लाह की रहमत है कि कुछ भी हम काम करते हैं तो मुझे फतह हासिल होती है। माशाल्लाह। तो कितनी तालीम है? मैं मैट्रिक हूँ। अच्छा, तो ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप इंग्लिश में सब्जियां फरोख्त करें? देखिए, पहले हम पंजाबी में बेचते थे, ठीक है, फिर हमने एक दो दफ़ा अंग्रेज़ी में बेचा, लोगों ने लाइक किया, हाँ तो लोगों ने पसंद किया, उनकी मेहरबानी है, तो फिर हमने ये बेचना शुरू कर दिया। आप जैसे लोग आने शुरू हो गए माशाल्लाह। तो अक्सर तो आपसे ख़वातीन सब्ज़ियाँ लेती होंगी तो वो उन्हें समझ आ जाती है इंग्लिश की? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। वो तो आपको देख के लग रहा है बाबा जी, टैलेंट बहुत है। जी जी बिल्कुल। तो कुछ लोग आपको इंग्लिश बोलते देख कर हंसते होंगे, शर्माते हों? कुछ लोग, मतलब कि ज़्यादा लोग हंसते ही हैं, कुछ लोग आते हैं कहते बाबा जी आपकी आवाज़ हमने सुननी है तो ये दे दो, हमें सब्ज़ी नहीं चाहिए, हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं। हंसे मजाक में आप कितनी सब्ज़ी फरोख्त कर लेते हैं? यही कोई 10,000 की, 8,000 की, 7,000 की, जैसे जैसे हो जाती है। हाँ जी माशाल्लाह। तुहानू वेख के जिहड़े दूसरे सब्जी फरोख्त करन वाले ने ओह ते बुरा मनदे होणगे कि बाबा जी हिट हो गए ने, मशहूर हो गए ने, लोक इन्हां नूं जानदे ने, असीं बैठे रहिंदे। नहीं नहीं, बाबा जी माइंड नहीं करदे, उहनां दा अपना माइंड है, जो मर्जी समझ आ लो, ठीक है जी। वह भी ग्रेहड़ियां वाले भी साडे नाल प्यार करदे ने, बड़े सानूं लाइक करदे ने, दुकानदार भी सानूं लाइक करदे ने। ते बाबा जी इह गोभी की कहिंदी? ओ माई गॉड, वेरी स्मार्ट बॉय, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। की कहिंदी? गोभी गोभी मुँह बोलदी है। अच्छा। गोभी मुँह बोलदी, गोभी कहिंदी रिक्वेस्ट मी मुझे गोशों में डालो प्लीज़, आज इंजॉय, मैंने इंजॉय है, मैंने इंजॉय करनी आज संडे है प्लीज़। अच्छा, तो जब आप ये सारे लोगों को यही बात बताते हैं या सिर्फ किसी किसी गोभी की जो रिक्वेस्ट है? गोभी सारे को ही बताते हैं। अच्छा, तो गोभी ने कभी आपको भी रिक्वेस्ट की है? जी रिक्वेस्ट करते हैं, घर में गोश्त ले हो आप, बाहर आवाज़ लगाते हो, हमें भी गोश्त ला के दो। तो जो आपके घर वाले हैं वो तो नहीं बुरा मानते कि बाबा जी तुसी है कि कम फड़ लिया? ये बुरा तो नहीं मनाते हो, मगर जो लोग लाइक करना शुरू करते हैं, लोगों ने पसंद करना शुरू करता है, जिमें पहले है सर तुहाडे वगैरह जवान बंदे जिहड़े आ रहे हैं सानू लाइक कर रहे हैं, मीडिया से तुसी आ रहे हो, तुहाडी भी मेहरबानी है कि तुसी इन्नी टीम लैके आते हो, ठीक है जी। लोग सारे फिलहाल पसंद कर रहे हैं, जिहड़ा देख रहा कह रहा बाबा जी, मैं एक दफा जुमे वाले दिन जामिया शरफिया से खड़ा होया सा, तो मैं लाए हुए सी टमाटो,
टमाटो लाए हुए थे अफसर जड़ा है ना वो अपने मुलाजम को भेजा तो रेट टमाटो कितने रुपए किलो से 50 रुपीज तो मैं आवाज़ ला रहा अंग्रेजी के उन्हें ना एक मुलाजम को भेजा उन्हें क्या बुला के लिया आफ साहब ने तो मैं डर गया मैं क्या पता नहीं मैं गड्डी पा के लैके जान लगे ने उन्होंने कहा आफ साहब एक रिक्वेस्ट करनी मैं करो जी कहते जी तुम आवाज़ ला डे हो असं सवेर की सुन डे हाँ मगर एक आवाज़ ला के दिखा दो सू एक आवाज़ ला के दिखाई हसन लग पे सारे कहते जी वेरी ब्यूटीफुल जी अच्छा तुम उदू आवाज़ ला के विखाइए तो हम फिर पक्या उ आवाज़ा लाई जा हाँ जी उही आवाज़ा लाई जा रहे हैं की देखो ना जी सब्जी असं रेहड़ी है रेहड़ी तो 4-5-6 सब्जियां लग जाए ठीक है तो असं पूरी रोजाना चेंज करते रहने सब्जी चेंज करते रहने क्यों चेंज करते रहते हो वेचण वास्ते या फिर अपनी अंग्रेजी नूं रवां रखण वास्ते नहीं अंग्रेजी साडी रवां ही रहिंदी है ठीक है असीं सुते भी रहने ना ते अंग्रेजी निकलदी रहिंदी है ते डेली असीं कोलों कि हुण इन्ने वड़े मटर असीं वेच दित्ते ने 3 मन हुण रोज़ाना मटर ते नहीं कस्टमर ने खाने ठीक है जी चेंजिंग चाहता कस्टमर कहिंदा कल टमाटर ला लो चेंजर ला लो की कहिंदे ने ला लवो वाटर बीन ला लवो शकरगंदी जैसे पटाटो स्वीट पटाटो वो लगा लो आप मतलब अलहदा अलहदा चेंजिंग करते रहते हैं पोटैटो स्वीट क्यों होंगे पोटैटो स्वीट नहीं 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 वो जो शकर गंदी है ना शकर गंदी वो स्वीट है अच्छा वो स्वीट पोटैटो ये पोटैटो हैं ये फीके हैं अच्छा जी बाबूजी गाजर की कहते हैं अंग्रेजी कैरट 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 मटर पीस पीस आलू पोटैटो वेख वेख लो बाबा जी सारिया अंग्रेजियां पता ने गोभी कैलीफ्लावर कैलीफ्लावर बाबा जी अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार दे विच बरकत पाए ते सुनना नहीं नंबी कटिया ते रासी कोई नहीं सुनाओ सुनाओ बाबा जी सानू भी सुनाओ सारे नू सुनाओ अच्छा जी नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं बाबे दे गल वासी कोई नहीं नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं बाबे कोल छाती कोई नहीं अल्लाह अकबर नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं बाबा जी गोरमे ते गए ने उत्थे रासी कोई नहीं नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं गोरमे ते गया बाबे कोलो रासी कोई नहीं बाबा जी ते नहीं तुसी नींबू इन बार क्यों कटिया तुहाडी कोई मजबूरी सी मेरी गल सुनो गर्मियां नू मैं ना एक नींबू लाए हुए सी लात बड़े खराब सी यकीन करो सच बोलना पैंदा है सच बोल के सौदा विच ना बड़ा मजा आंदा जी यकीन करो ते दो दाने बाद तोल देना आहा क्या बात है अल्लाह ताला बड़ी रोजी देंदा है पब्लिक हसदी आंदी सौदा लै जांदी ठीक है जी और नींबू लाए सी मैं पैसे घर है उसी ना खर्चा है ना नींबू लुआने वास्ते पैसे है सी नींबू भी वधार ते घर आले पासे भी वधार तो इंज मैं निकल रहा वहां आराम नाल ते एवें कहावत बन गई नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं बाबे कोल छाती कोई नहीं नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं बाबे ते गल वासी कोई नहीं नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं बाबा जोगी कोल गया उत्थे सापी कोई नहीं वाह 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 नींबू कटिया ते रासी कोई नहीं बाबा लारी अड्डे गया उत्थे बासी कोई नहीं बाबा जी जिथे भी जाने नाकाम क्यों होंगे ये बाबा जी यही नाकाम होंगे ना बगैर सारे कामयाब हो जाते हैं यकीन करो जो डेरे बना के बैठे ने जो अड्डे बना के बैठे ने लगे जाओ लगे जाओ लगे जाओ लगे जाओ दम करते हैं ठीक है बाबा जी अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार दे विच बरकत पाए तुसी इंज ही अंग्रेजी दे विच ना सिर्फ लोगों को एंटरटेन करते रहो बल्कि तुसी अपनी सब्जी भी बेचते रहो ठीक है जी ये थे आज के बाबा जी जो हमने आपसे मिलवाया उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आए होंगे तो मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए किरदार के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़।